आज का बेटा हमारा टॉपिक है रेडिकल इक्वेशन। ये क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ऑलरेडी अंडर रूट इन्वॉल्व हो, ऑलरेडी अंडर रूट कंटेन कर रहा हो, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। मिसाल के तौर पर मेरे पास बेटा ये एक इक्वेशन है, एक्स प्लस थ्री अंडर रूट इक्वल टू फोर। लेट मैंने ये एक इक्वेशन ली, दिस इक्वेशन कंटेन अंडर रूट, सो दिस होल इक्वेशन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ये पूरी की पूरी इक्वेशन मेरे पास ये बेटा रेडिकल इक्वेशन है। अच्छा, रेडिकल इक्वेशन। अब बेटा जब भी हमने रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये बड़ा टिपिकल पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये गुर की बात है, ये याद रखनी है। रेडिकल इक्वेशन का कोई मर्जी क्वेश्चन आ गया तो उसको किसी ना किसी स्टेप पर जाकर आपको स्केयर करना होगा। याद रख ले, रेडिकल इक्वेशन के अंदर सर बलोच ने बोला था कि किसी ना किसी स्टेप में जाकर स्केयर जरूर आएगा, स्केयर करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट खत्म ही स्केयर के साथ होता है। हमें जो उसके अंदर वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए पहले इस अंडर रूट को खत्म करना है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये रेडिकल इक्वेशन है, मैं इसका सोल्यूशन निकालना चाहूंगा, मैं इस अंडर रूट को खत्म करूंगा, तो मेरा अगला स्टेप होगा स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब बेटा स्केयर करेंगे तो ये देखें, अब मैं इस इक्वेशन का स्केयर लिया मैंने दोनों तरफ, ये बेटा स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये x प्लस थ्री इक्वल टू 16, मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो 13 आई। ये जो x की वैल्यू मुझे मिली है, दो बातें बोलने लगा हूं यहां पे, ये मुझे उस इक्वेशन से मिली है विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल। दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल। रूट इससे मिला है, ये रूट जरूर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो रूट जो रेडिकल फ्री इक्वेशन से मिला होगा, दैट रूट विल बी डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस न्यू इक्वेशन। बट हम चेक करते हैं क्या यही रूट, ये श्योरली इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या ये रूट गिवन को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर ये रूट गिवन को सेटिस्फाई कर गया, गिवन रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो ये नॉन एक्सट्रीनियस रूट होगा, नॉन एक्सट्रेनियस रूट होगा। अगर ये रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो ये नॉन एक्सट्रेनियस रूट होगा, और अगर यही रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर सका तो ये एक्सट्रेनियस रूट होगा। दोज रूट्स विच आर अबटेन्ड फ्रॉम इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल डेफिनेटली सेटिस्फाइंग द नॉन रेडिकल इक्वेशन, बट दीज रूट्स, इफ दीज रूट्स सेटिस्फाई द रेडिकल इक्वेशन, देन दिस विल बी द एक्चुअल रूट्स, नॉन एक्सटेनियस रूट। और अगर यही रूट इस रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर सका तो ये एक्स्ट्रा से निकला एक्सटेनियस रूट होगा। ये जुमला आपकी बुक में पड़ा है, ये बेटा आप लोगों ने 147 पेज को जब पढ़ना है तो उसमें ये सेंटेंस है, इसी पैराग्राफ में, एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल। ये सोल्यूशन इस इक्वेशन का भी है, ये सोल्यूशन हासिल इससे हुआ है, लेकिन ये सोल्यूशन इस इक्वेशन का जरूर सोल्यूशन है। बट अगर यही सोल्यूशन इसका भी बन गया, अभी मैं चेक करूंगा, यही सोल्यूशन इस इक्वेशन का भी बन गया तो ये नॉन एक्सटेनियस है, और यही सोल्यूशन अगर इसको सेटिस्फाई ना कर गया, ना किया, तो ये एक्सटेनियस है। अब आए, ये जुमला बुक पे पढ़ा है, लिखने की नहीं जरूरत, आप उधर से इसको बेटा अंडरलाइन कर, आए बेटा इसको इसमें पुट करते हैं। 13 मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, 13 पुट इसलिए कर रहा हूं कि हम चेक करना चाहते हैं कि ये इसका रूट है या नहीं है। अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो इसका रूट होगा, अगर सेटिस्फाई ना किया तो इसका एक्सटेनियस रूट होगा। जी, यहां पे मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी मेरा बेटा आपको। बाज बच्चों का ये यहां पे ध्यान होता है कि अंडर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस फोर होगा, नहीं,
जब आप किसी इक्वेशन में खुद आगे सॉल्व करते हुए अंडर रूट लेकर आते हैं तो वहां पे प्लस माइनस डालते हैं। ये बात ज्यादा डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 में बताऊंगा, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के। फिलहाल यहां पे अंडर रूट को हटाएंगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा। इसको बोलते हैं ट्रू या सेटिस्फाई। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, सो दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये इसके सोल्यूशन सेट में आ जाएगा, दैट इज 13 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, अब मैं यहां पे एक और रेडिकल इक्वेशन ले रहा हूं। ये देखें बेटा, एक्स प्लस 3 अंडर रूट, मैं खुद से एक इक्वेशन बना रहा हूं, दैट इज माइनस 2। ये भी मेरे पास रेडिकल इक्वेशन है। किसी भी रेडिकल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करके रूट्स निकालते हैं तो उसका स्केयर करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स। नेक्स्ट, एक्स प्लस 3 अंडर रूट होल स्केयर माइनस 2 स्केयर। ये मेरा बेटा स्केयर अंडर रूट कैंसल हो गया। वी हैव लेफ्ट विद एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4। अच्छा, मेरे पास अगली वैल्यू आ रही है x की, जो वैल्यू, दिस इज द इक्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल, दिस इज द इक्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम अंडर रूट। अब जो रूट निकलने जा रहा है यहां से, वो बेटा है 4 माइनस 3, 3 उधर ले जाऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं। ये मेरे पास जो रूट है, ये श्योर शॉट इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। क्या ये चेक कर लें, एक्स को 1 इसमें पुट करें लेफ्ट हैंड साइड, बट हमने चेक करना है कि क्या ये रूट गिवन को सेटिस्फाई कर रहा है। आए जी देखते हैं, टेस्ट, वी चेक द रूट्स। एक्स इक्वल्स टू 1 इसमें पुट कर रहा हूं। कोई भी रूट किसी इक्वेशन को चेक करने का ये तरीका है कि वो उस गिवन इक्वेशन में पुट करें, इफ वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देन दैट विल बी द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। आए जी इसमें पुट किया। अब जो बात बेटा यहां मैंने बोली थी, यहां पे वही बात वहां आ रही है। ये मेरे पास बेटा 4 अंडर रूट है, दिस इज 4 अंडर रूट। अच्छा, माइनस 2। जब किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी अंडर रूट कंटेन कर रहा हो और हम उस अंडर रूट की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हो तो हम प्लस माइनस नहीं डालेंगे। मैं एक अलग से एग्जांपल लूंगा, तो यहां देखें ये 2 है और ये माइनस 2 है। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। नॉट ट्रू भी बोलते हैं, नॉट सेटिस्फाई भी बोलते हैं। तो 2 नॉट इक्वल टू माइनस 2। सो ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये रूट गिवन रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लिहाजा इसके सोल्यूशन सेट में एम्प्टी आएगा। देर इज नो एक्स, देर इज नो सच एक्स, सो दैट देयर अंडर रूट इज इक्वल टू, यहां पे माइनस 2 आ जाए। तो ये बेटा एक्सटेनियस रूट है, इसका ये जो रूट निकला 1, ये एक्सटेनियस रूट है। ठीक है, तो ऐसा रूट जो किसी भी रेडिकल इक्वेशन से हासिल हो बट उस रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, दैट रूट इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। ठीक हो गया, तो ये एक्सट्रेनियस रूट हम रेडिकल इक्वेशन में जरूर चेक करते हैं। बेसिकली क्यों चेक करते हैं, एक्चुअली हमने उस इक्वेशन की शेप को बदल दिया है। गिवन इक्वेशन हमारे पास थी ये, लेकिन उसको मैं सॉल्व करके ये बना चुका हूं, तो ये यहां से जो रूट मिलेगा वो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या यही रूट हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो दैट्स वाई ये हम जिस इक्वेशन में हम बोथ साइड स्केयर लेते हैं वहां पे जो है हमें एक्सट्रेनियस रूट लाजमी चेक करना होता है। इस एक्सरसाइज की बेटा 4 टाइप्स हैं। मैं आज जो है टाइप 1-2 को जल्दी जल्दी डिस्कस करते हुए आपको हर टाइप का एक एक सवाल कराऊंगा। इस तरह की एक्सरसाइज आप 10th में भी पढ़ कर आए हैं, इस तरह का टॉपिक। तो अभी हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1। ये बेटा टॉपिक है रेडिकल इक्वेशन, ये टॉपिक है 4.3 एक्सरसाइज का।
आपने उसके लिए बेटा टाइप वन डिस्कस करने लगे हैं। टाइप वन क्या है मैं बोलूंगा, आपने बाद में लिख लेना है। इस टाइप में कुछ हिस्सा अंडर रूट के अंदर और कुछ हिस्सा अंडर रूट के बाहर वो सेम होगा। मिसाल के तौर पे मैं पहला सवाल लिख लेता हूं इसी टाइप का, एक्सरसाइज बेटा 4.3 पहला सवाल। टाइप वन के बेटा ये तीन सवाल हैं, एक्सरसाइज 4.3 के ये तीन सवाल, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन 10। ये बेटा हमारे पास टाइप वन के तीन क्वेश्चंस होंगे। टाइप वन के जो थ्री क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। अच्छा, अब पहला सवाल मैं बेटा लिख रहा हूं, दिस इज 3x² + 2x - √3x² + 2x - 1 दैट इज इक्वल टू 3। बेटा गौर करना, मैंने अभी जुमला बोला था इस टाइप की निशानी क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस की पहचान क्या है। तो कुछ हिस्सा अंडर रूट के जो अंदर है वैसा ही कुछ हिस्सा अंडर रूट के बाहर होगा, ये पक्की निशानी है। इसकी जनरल फॉर्म आपने इस टाइप की बुक से खुद देख लेनी है, सम पार्ट इनसाइड अंडर रूट, सम पार्ट आउटसाइड अंडर रूट, दैट विल बी सेम। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी ये निशानी है। अच्छा, अब हमने इनको सॉल्व कैसे करना है मेथड फॉर सॉल्यूशन में। बेटा आपने मेथड फॉर सॉल्यूशन में लिखना है कि वी पुट द रेडिकल पार्ट। इस गिवन इक्वेशन को नाम ए देकर छोड़ देना है। हमने क्या करना है, रेडिकल पार्ट को अलग से लेकर उसको लेट वाई करना है। लेट थ्री, वो गिवन इक्वेशन उधर छोड़ दी, अलग से नाम उसको ए दे दे, कोई भी नाम दे दे। पुट द होल रेडिकल पार्ट इक्वल टू वाई, वाई भी लेट कर सकते हैं, टी भी लेट कर सकते हैं, एक्स नहीं लेट करना, जो वेरिएबल ऑलरेडी कंटेन करो वो नहीं लेट करना। अच्छा, अब मैं वापस गिवन इक्वेशन में जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू यहां से निकालूंगा। और यहां से कैसे निकालूंगा, मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि हर रेडिकल इक्वेशन में किसी ना किसी स्टेप में जाकर स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो वही बात, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब मैं जरा जल्दी जल्दी से स्टेप करूंगा, तो बेटा स्केयर लिया तो इधर बेटा स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो गया, इधर ये, मैं चाहता हूं कि मुझे इसकी वैल्यू मिले यहां से निकालना, और ये शोर शार्ट मिलेगी, ये पोर्शन इसके अंदर पड़ा है बट अंडर रूट को खत्म करके, इस वन को बेटा उधर ले जाएं। वी हैव हेयर 3x² + 2x = this 1। लेट जो हमने ये किए वन नाम दे दें, ये टू। अब हम वापस गिवन इक्वेशन में जाएंगे, गो बैक इन द गिवन इक्वेशन, पुट इक्वेशन वन एंड टू इन ए, ए बिकम्स। अब आओ मेरा बेटा, वापस हम इस इक्वेशन जा रहे हैं, तो यहां बेटा मैं लिखूंगा y² + 1 बेटा एंड माइनस, यहां मेरे पास ये क्या है, दिस इज y = 3। अब मुझे बेटा जो इक्वेशन मिली है, दिस इज फ्री फ्रॉम रेडिकल, हमने रेडिकल से वो इक्वेशन निकाल ली जो अंडर रूट के बगैर है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स हटा दें, y² + -y, राइट साइड पे भी बेटा 3 लाना है, बिकॉज किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करना है, तो उसकी राइट हैंड साइड 0 जरूर बनानी है, कोई नंबर 0 के अलावा उधर पड़ा है तो लेफ्ट पर लेकर आए। मेरे पास ये जो इक्वेशन बनी है ये बेटा बन चुकी है y² - y - 2। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं, 4.1 में आप पढ़ चुके हैं, इनमें से ज्यादातर जो आप यूज करेंगे मेथड आगे जाकर, अगर तो हमने बाउंड कर दिया कि फैक्टराइजेशन से करें, जैसे 4.1 में कुछ पोर्शन फैक्टराइजेशन से करने को बोला गया है, कहीं पे उसने बोला कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, कहीं पे उसने कहा कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, लेकिन यहाँ हम आज़ाद हैं, यहाँ हमें क्या करना है, मर्जी आपकी फैक्टर्स बना लें, मर्जी आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ज़्यादातर कोशिश करते हैं फैक्टर्स की। अच्छा, मैं ये जो कॉफिशेंट है इसको बेटा इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा -2,
मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए, इसको आप मिड टर्म ब्रेक भी बोलते हैं छोटी क्लासेस में, मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि उनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास ये बन जाए माइनस वन बने, यहाँ पे समझो माइनस वन, और उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस टू बने। तो ये बेटा माइनस टू प्लस वन, ये वो दो फैक्टर्स, ठीक है। अगर आपने पूरा सॉल्व करना है वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वाई माइनस टू, ठीक है, तो y लिया कॉमन y माइनस टू प्लस वन लिया कॉमन y माइनस टू। अच्छा, अब जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है जो इससे नीचे बनी है, एक्सप्रेशन जो बनेगा दिस इज इक्वल टू जीरो, y प्लस वन एंड y माइनस टू, इस स्टेप को बेटा फैक्टराइजेशन कहते हैं, इसके ये फैक्टर बन गए, ठीक है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि गौर कीजिएगा, ये वाले दो स्टेप्स आप ना भी करें जब इस तरह का कोई लेंथी क्वेश्चन हो और उसके अंदर आगे कहीं जाकर फैक्टर्स बन रहे हों, तो ये वाले दो स्टेप्स आप ना करें, ये जो आपके फैक्टर्स बन रहे हैं इनको डायरेक्ट वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं। यानी मैं बेटा ये वाले दो स्टेप थोड़ी देर के लिए मिटा रहा, आप डायरेक्ट इसके नीचे ये भी लिख सकते थे। तो फैक्टर्स जो बने हैं उनको उस वेरिएबल के साथ y प्लस वन वाई माइनस टू, अब बेटा इनको जीरो लिया और y माइनस टू इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू माइनस वन, y इक्वल टू टू। हमारे पास ये जो रूट्स आए हैं, अब इनसे हमने जिस वेरिएबल में गिवन इक्वेशन होती है वही वेरिएबल का आंसर निकालना है। ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, लेकिन अब हम वापस उसी इक्वेशन में जा रहे हैं। अब बेटा हम बारी बारी इन दोनों रूट्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले मैं बेटा इस इक्वेशन में ये टू पुट कर रहा हूं, पहले मैं इस साइड पर आ रहा हूं, पुट इन वन, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन अंडर रूट इक्वल टू टू। जी, अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, फिर इधर स्केयर ले रहे हैं अंडर रूट को, दिस इज इक्वल टू फोर, स्केयरिंग बोथ साइड, यहां बेटा हमने इसको स्केयर किया, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे, थ्री एक्स स्केयर प्लस टू एक्स माइनस फाइव, इसके मेरा बेटा फैक्टर्स बन रहे हैं, मैंने जान के इसीलिए ये पहले किए कि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई करें माइनस फिफ्टीन, ठीक है, इसके भी फैक्टर बनेंगे, बट यहां पर कॉफिशेंट थ्री है, तो जब फैक्टर्स बन रहे हों और साथ कोई एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट हो तो उसका भी मैं ये शॉर्ट फॉर्म में तरीका बताऊंगा, ठीक हो गया बेटा, यहां आ जाता हूं। जी, माइनस फिफ्टीन, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस फिफ्टीन बने और ऐड करूं तो मेरे पास प्लस टू बने। तो इसके बेटा वो फैक्टर बन रहे हैं प्लस फाइव माइनस थ्री, इनको बेटा मल्टीप्लाई करें तो माइनस फिफ्टीन है और इनको बेटा मैं ऐड करूं तो वो प्लस टू बन रहा है। अब इस तरह का शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊंगा, वेट कर लें, मैं इसको पहले पूरा सॉल्व कर लूं, जो दो स्टेप मैंने यहां छोड़े थे वही मैं यहां पे कर रहा हूं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव। आए बेटा यहां से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, ठीक है, एक्स कॉमन लेंगे, या वन कॉमन आता है या एक्स कॉमन आता है वो तो जरूर है, तो एक्स कॉमन आ रहा है यहां से, कॉफिशेंट कॉन्स्टेंट है, वहां से कुछ नहीं कॉमन आ रहा, वेरिएबल एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन लिया तो यहां बेटा बना थ्री एक्स प्लस फाइव। अब यहां देखें, इधर से कुछ कॉमन नहीं बन रहा, तो वन कॉमन आएगा, वन कॉमन आएगा, लेकिन ब्रैकेट में ये चीज बननी चाहिए। अब ब्रैकेट में मेरे पास यहां थ्री एक्स बनना चाहिए, तो मैं वन की बजाय क्या कॉमन ले रहा हूं, माइनस वन कॉमन ले रहा हूं, माइनस वन। याद रखें, कुछ ऐसी चीज कॉमन आनी चाहिए कि ये ब्रैकेट वाली चीजें सेम हो रही हो, अगर ये सेम नहीं हो रही तो फैक्टराइजेशन गलत होने जा रही है। अगर ब्रैकेट्स के अंदर सेम चीजें होंगी तो फैक्टराइजेशन सही है, अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर सेम फैक्टर्स नहीं है तो बेटा फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगी, गलत होगी। तो इसमें देखें, माइनस वन कॉमन लिया, थ्री एक्स प्लस फाइव। जी, अब हमारे ब्रैकेट्स के अंदर फैक्टर सेम है तो ये थॉरली कॉमन ले लें,
3x plus 5 and x minus 1. एक वैल्यू बन गई 3x plus 5 और एक वैल्यू बन गई ये. यहाँ से बेटा 5 उधर जाएगा, x आया minus 5 by 3. यहाँ से बेटा x उधर जाएगा x के. ये हमारे पास दो आंसर्स आए हैं, ठीक है. इन दो आंसर्स को अंडर बॉक्स कर लें, अपने रिजल्ट्स को अंडर बॉक्स बेटा ज़रूर कर लें. अच्छा, जैसे बेटा यहाँ पे मैंने बीच में दो स्टेप्स किए थे, वो ये थे माइनस टू वाई प्लस वाई. बेहतर है आप इन दो स्टेप्स को कर लें. बाज़ बच्चों को फैक्टर जब मिलते हैं ना तो वो गलती कर बैठते हैं, ठीक है ना, जो शॉर्ट स्टेप्स के चक्रों में. बहरहाल अगर आपने करना भी हो शॉर्ट स्टेप, जैसे यहाँ पे है, जब x स्क्वायर का कॉफिशेंट ये 1 हो, इसको लीडिंग कॉफिशेंट कहते हैं, तो वो फैक्टर डायरेक्ट आप वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं. बीच वाले ये दो स्टेप्स ना भी करें तो कोई नहीं. अच्छा, जब भी फैक्टर बन रहे हैं और x स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 से हट करो, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशेंट 3 है, तो जो फैक्टर बन रहे हैं उनको इस कॉफिशेंट पे डिवाइड कर लें. यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस तरह का शॉर्ट करना चाहते हैं तो बीच में आप ये दो स्टेप्स नहीं करना चाहते और ये फैक्टर बन रहे हैं, तो फैक्टर बना 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड दूसरा फैक्टर है माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 करें. जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 से हट कर हो तो जो भी आपके फैक्टर बन रहे हैं उन फैक्टर्स को इस पे डिवाइड करेंगे. साथ लिख लें x, ये बेटा दो फैक्टर बनेंगे, ठीक है ना, ये कट के माइनस 1 बनता है. तो x प्लस 5 बाई 3 एंड ये फैक्टराइजेशन बनेगी इसकी, x प्लस 5 बाई 3 एंड x माइनस, ये भी मेथड सही है. या फिर 3 कॉम एलसीएम ले लें, दो फैक्टर, ये भी सही है मेथड, या दिस वन और या जो भी फैक्टर बन रहे हैं उसका फिर एलसीएम ले लें. 3x प्लस 5, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इधर राइट साइड पर 0 भी है ना. तो ये बेटा देख लें, यही वो दो स्टेप्स, ये भी सही है. इसको अलग 0 लें, इसको अलग, यानी ये या ये दोनों सही. जब भी फैक्टर्स बन रहे हो तो मैं आपको, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो बात को पिक कर लेते हैं. अगर आप नहीं करना चाहते तो ये वाले दो स्टेप्स या जैसे यहाँ पे है ये स्टेप्स करके उधर तक पहुँच जाएं, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया. तो ये हमारे पास उधर से दो सोल्यूशंस आए हैं, यहाँ से रहते हैं दो सोल्यूशन, दो सोल्यूशन यहाँ से भी मिलेंगे. y इक्वल टू माइनस 1, इसको भी वापस पुट इन 1 करेंगे, पुट इन 1, वो बेटा आपके पास इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अंडर रूट इक्वल टू 1. अब इसका भी उसी तरह स्क्वायर लें, 1 का स्क्वायर वो 1 नहीं बनेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये बेटा 1 को इधर लाएं, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इसके मेरा बेटा फैक्टर नहीं बनते. उस साइड को मैंने इसलिए पहले किया कि उसके फैक्टर बन रहे हैं, इसके फैक्टर नहीं बनते. अब फैक्टर बन भी रहे हो और आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें वो भी ठीक है, जरूरी नहीं है फैक्टर बने. तो फैक्टर बन भी रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें. इसको तो अब फैक्टर नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करेंगे. यहाँ पे a बेटा 3 है, b जो है वो 2 है और c माइनस 2 है. तो अब आपने फार्मूला लगाना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ये बेटा ए बी सी की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो दो रूट्स यहाँ से बनेंगे, दो रूट्स ये बने हैं. फिर हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सा रूट एक्सटेनियस रूट है. मैं फिर अपना जुमला रिपीट कर रहा हूँ, ये रूट्स बेटा मुझे इस इक्वेशन से मिले हैं, द इक्वेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम रेडिकल. ये वाले दो रूट्स ये जरूर इसको तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन चेक करना होता है कि क्या ये रूट्स उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं. मैं आपको कह रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटेनियस रूट करना मैं बेटा इस कैलकुलेटर से गाइड करूंगा कि हाउ वी कैन चेक द एक्सटेनियस रूट. तो वो फौरन पुट करके करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, पेपर में टाइम भी होता है ना, उसको चेक करना होता है कि उसी टाइम के अंदर पेपर करना. तो मैं बेटा एक्सटेनियस रूट
कैलकुलेटर से समझाऊंगा, इसलिए मेरी कोशिश है आज मैं बोल रहा हूं कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपने कैलकुलेटर साथ रखना है, फिर वहीं पे साथ साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। ये टाइप वन है, इसके बेटा तीन सवाल हैं। अच्छा, आपको बेटा ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ये नोट्स मैंने 2004 में बनाए थे, 2004 में बनाए हैं। ये फर्स्ट फाइव चैप्टर के सॉल्यूशंस हैं। ये बेटा हर क्वेश्चन इसमें मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो सॉल्व्ड हैं, पहले पांच चैप्टर के नोट्स हैं। अगर किसी को लेने हो, ज़रूरी नहीं लें, आप अपने तौर पे घर पे बना सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन कहीं मुश्किल पेश आती है, नहीं सॉल्व हो रहा, तो फिर बेटा इससे आप देख सकते हैं। आप की बुक्स भी ले सकते हैं, सॉल्यूशन हैं की बुक्स की फॉर्म में, लेकिन वहाँ पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस के मुश्किल मेथड हैं। मोहसिन अब्बास शाह साहब भी मेरे नोट्स का बोलते हैं, तो आप बेटा इन नोट्स को आप यहाँ पे हमारे पास हामिद साहब हैं हमारी मैनेजमेंट में, कॉलेज की मैनेजमेंट में, उनसे आकर ये नोट्स फर्स्ट फाइव चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनसे ये नोट्स ले सकते हैं, वो आपको घर में हेल्प करेंगे। तो बाकी दो सवाल इन्हीं नोट से करने, ठीक है। नेक्स्ट बेटा है मेरे पास टाइप टू। अभी हम टाइप वन के ये तीन सवाल थे, ये टाइप टू, ये टाइप जो अभी वन कराई ना मैं, ये आपकी बुक में नहीं है थी, जब नाइन्थ टेंथ में, टेंथ में आपने किया ना, ये टाइप आपकी नहीं थी। लेकिन जो अब मैं टाइप कराने जा रहा हूँ, ये टाइप आपकी बुक में है, टेंथ की बुक में आप पढ़ कर आए। तो इसमें होता है इन दिस टाइप, मैं बोल रहा हूं इन दिस टाइप, आपने खुद बाद में लिख लेना है, देयर विल बी टू और थ्री लीनियर रेडिकल फैक्टर्स, यानी अंडर रूट के अंदर वेरिएबल की पावर वन होगी। लीनियर फैक्टर वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर वन हो। तो यहां मैं इस टाइप टू को लिख रहा हूं, देयर विल बी टू और थ्री लीनियर रेडिकल फैक्टर्स। अच्छा, इसके कौन कौन से क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 4.3 के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, जस्ट ये 3 क्वेश्चन जो हैं, ये बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4। मैं अभी थोड़ी देर के लिए तीनों क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन 3 बेटा ये है, 2x+8 + x+5 = 7। क्वेश्चन 4, इन दिस क्वेश्चन 3 देर आर 2 रेडिकल फैक्टर, 4 में इसमें भी 2 रेडिकल फैक्टर हैं, 2 रेडिकल टर्म्स हैं। और क्वेश्चन 5 में 3 रेडिकल फैक्टर्स हैं। तो चाहे 2 रेडिकल फैक्टर्स हों, चाहे 3 रेडिकल फैक्टर हों, लेकिन शर्त यह है कि दे शुड बी लीनियर, वो लीनियर होना जरूरी है। तो वो सवाल इस टाइप का होंगे, 6x+30, देयर आर 2 और 3 लीनियर रेडिकल फैक्टर्स। अच्छा, अब मैं इनमें से कोई एक सवाल सॉल्व करूंगा, बाकी आप खुद कर लें। बेटा मैंने कहा है ना कि बाकी सवाल खुद करें, वो आप ये सॉल्यूशन मैनुअल ले लें फर्स्ट फाइव चैप्टर्स के, तो खुद ब खुद आपको वहां से। तो मैं बेटा आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए आप खुद कर लें बाकी दो सवाल, मैं ये कर रहा हूं। लेकिन ये मैं मेथड लिखाता हूं, इनमें से कोई भी सवाल करेंगे इस टाइप टू की निशानी क्या है, देयर विल बी 2 और 3 लीनियर रेडिकल फैक्टर्स। अब जब भी इसको सॉल्व करना है टाइप टू, जब लीनियर रेडिकल फैक्टर्स आए, तो इसमें 2 टाइम स्केयर लेना पड़ेगा, वो स्केयर द इक्वेशंस 2 टाइम। और वो कब कब? अभी बेटा मैं क्वेश्चन 3 कर रहा हूं। आए जी, 2x+8 x+5 = 7। अच्छा, इसको बेटा अब सॉल्व करना है, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स, ठीक हो गया बेटा, x 2x+8 x+5 होल स्केयर = 7 स्केयर। अच्छा बेटा, कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट्स ये भी करते हैं गलती, मैं वो कर रहा हूं यहां पे जान के, ताकि आपको पता चले, वो लिख तो रहे हैं स्केयरिंग बोथ साइड, लेकिन कर यूं बैठते हैं, ये गलत स्टेप कर रहा हूं, ये गलत स्टेप है, समझाने के लिए किया है मैंने, ताकि क्लियर, दिस इज नॉट स्केयरिंग बोथ साइड।
दिस इज स्केयरिंग टर्म बाय टर्म, बट ये स्टेप यहां हम नहीं कर सकते क्योंकि राइट साइड पूरी का स्केयर लिया है, तो लेफ्ट साइड भी पूरी का स्केयर लेंगे। दिस स्टेप इज रॉन्ग स्टेप। स्केयरिंग बोथ साइड का मतलब है पूरी लेफ्ट साइड का स्केयर, पूरी राइट साइड का स्केयर। वो जो अभी मिटाया मैंने स्टेप, वो गलत था, सिर्फ समझाने के लिए मैंने किए। तो ये बेटा सेवन स्केयर। अच्छा, अब क्या है लेफ्ट साइड पे बेटा, ए प्लस बी होल स्केयर। इस स्केयर को ओपन करें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ए बी टू एक्स प्लस एट एंड एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 49। अच्छा, ये बेटा स्केयर अंडर रूट गया, खत्म हो गया, ये स्केयर अंडर रूट कट गया। वी हैव 2x प्लस एट एक्स प्लस फाइव इक्वल टू सॉरी प्लस। अब जब भी a b अंडर रूट हो तो उनको इकट्ठा कर लें, इन दोनों को मैं अंडर रूट मल्टीप्लाई के वक्त a b अंडर रूट हो, इसको आप एक फैक्टर समझें, इसको दूसरे, इसको इकट्ठा कर लिए 49। मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू तभी निकलेगी जब मेरे पास क्वेश्चन में से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी एक अंडर रूट बाकी है, मुझे यहां पे अगेन स्केयर करना पड़ेगा। लेकिन कब करना पड़ेगा ये स्टेप मैं समझाता हूं। तो बेटा इकट्ठी करें एक्स वाली टर्म्स, टू एक्स प्लस एक्स दैट इज 3x एंड 8 प्लस 2 दिस इज 10, और इनको मैं बेटा आपस में मल्टीप्लाई करूं। जब भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो इसको पहले फैक्टर को दोनों से मल्टीप्लाई करें, तरतीब यही रखें, फर्स्ट टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर सेकंड टर्म को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर लें। तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया बेटा, बना 2x² प्लस 10x। जी नेक्स्ट है 8 को मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 8x वी हैव हेयर 8x प्लस 40। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मेरे पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो क्वेरी सेक्शन मैंने मैडम फौजिया से रिक्वेस्ट की है, आपका क्वेरी सेक्शन वो लेंगी। लेकिन अगर कोई मसला हुआ तो मैं भी हाजिर हूँ, मैडम फौजिया मेरी स्टूडेंट्स हैं, मोहसिन अब्बास शाह साहब मेरे स्टूडेंट्स हैं, तमाम इस तरह के जो यंग फैकल्टी है मोस्टली उनमें से मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आपको वो भी गाइड कर देंगे मैडम फौजिया। तो आए जी, मैं यहाँ स्केयर लेना चाहता हूँ, लेकिन याद रखें जब भी स्केयर लेना है किसी इक्वेशन में सिंगल रेडिकल टर्म है, सिंगल ये एक रेडिकल वैल्यू है, और इसके साथ कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तब अंडर रूट खत्म होगा। यानी वी आइसोलेट हेयर रेडिकल टर्म, रेडिकल टर्म्स को अलग करें बाकियों को। अगर अंडर रूट के साथ सिंगल अंडर रूट है, किसी क्वेश्चन में सिंगल अंडर रूट टर्म है और साथ कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको राइट साइड पर ले जाए। तो ये देखें 2 अंडर रूट, इन दो को मैंने उधर ले जाना है 2x², ये बेटा सॉल्व करके 18x प्लस 49, और इन टर्म्स को बेटा उस तरफ लेकर जाएंगे, इसको भी उधर ले जाएं, उसको भी इधर ले जाएं, तो 49 माइनस 3x माइनस 10, इनको देखें थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहे हैं। 2x² प्लस 18x प्लस 40 इक्वल टू, यहां बेटा मेरे पास बची ये टर्म 39 माइनस 3x। गौर कीजिएगा, यहां बेटा ये 2 है, फर्ज कर लो यहां पे 3 होता तो ये 3 उधर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मैं इस 3 को उधर डिवाइड करूंगा, लेकिन इस वक्त जो यहां पे शुरू में नंबर है वो 2 है, वो 2 उधर पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए अब इसको इधर ही रहने दें, क्योंकि अगर इस 2 को आप उधर ले जाएंगे तो आप बेटा फ्रैक्शन में चले जाएंगे, वो थोड़ा मुश्किल है। फ्रैक्शन वो बनाएं जो कट के सिंपलेस्ट फॉर्म में बनता हो, इसलिए इसको मैं उधर नहीं लेकर जा रहा हूं। तो अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, ये बेटा वो मैं बात बोल रहा था कि लीनियर रेडिकल
क्वेश्चन हो, उसमें दो टर्म्स हो या उसमें तीन टर्म्स हो, तो देखिएगा टू टाइम ही स्क्वायर लेना है। और स्क्वायर इसलिए ले रहा हूं कि मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल। ये देखो मैं बेटा इसमें थोड़ा पूरा स्टेप कर लूं ताकि आपको कंप्लीट इसकी स्टेप की समझ आए। ये होल सके 39 माइनस 3x, ये होल सके। तो ये मेरा बेटा, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ये बात ये बनी बेटा 4 वैल्यू 2 का स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, ब्रैकेट जरूर डालें, ये मल्टीप्लाई और ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं ये लिख देता हूं, 40 अंडर रूट स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रही ना, ये स्क्वायर अंडर रूट कट गया। यहां पे हमने ए स्क्वायर 39 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस नेगेटिव की वजह से 2ab। अब बेटा ये सिंपल कैलकुलेशन रह गई है, इसको बेटा मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, 4 × 2x² प्लस 18x प्लस 40 इक्वल टू 39 का स्क्वायर। बेटा आप कर लें, वी हैव 39 स्क्वायर, दैट इज 351, 39 स्क्वायर दैट इज 351 प्लस 9x² माइनस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास जो टर्म बची बनी है माइनस 50 39 मल्टीप्लाई विद 6 234x। अब ये 8x² वी हैव हेयर 8x² प्लस 72x 160 इक्वल टू 351 9x² माइनस 234x। इन तमाम टर्म्स को बेटा उधर ले जाएं, राइट साइड पर जीरो बनाएं और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से बेटा आप फैक्टर निकाल लेंगे। देखना, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया मैंने। तो इन तमाम टर्म्स को उधर ले जाएं, 8x² प्लस 72x प्लस 160, राइट साइड या लेफ्ट साइड जीरो बनाना है, दैट्स वाई माइनस 351 माइनस 9x² प्लस 234x। अब मेरे पास राइट साइड क्या है, जीरो है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये मेरे पास बेटा वैल्यू बनी माइनस x², ये ऐड कर लें 234 प्लस 72, तो ये बेटा वैल्यू बनी प्लस 306x और ये वैल्यू है 351 माइनस 160, ये वैल्यू बनी 511। नहीं बेटा, ये यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे जमा में मिस्टेक हुई है, 8 प्लस 5 मैं बेटा 10 लिख बैठा हूँ, सॉरी 8 प्लस 5 दिस इज 13। ये यहाँ पे बेटा करेक्शन करनी है मुझे, 13 है 8 प्लस 5, सॉरी ये 13 है। अब ये 13 जब उधर जाएगा तो 3 माइनस 3x माइनस 13, ये मेरे पास वैल्यू माइनस 10 की बजाय माइनस 13 है, वो मिस्टेक हो रही थी। तो ये बेटा बच्चा माइनस 49 माइनस 13, ये बेटा बच्चा 36, अब सही हो गया। अब फिर वही जुमला मैं बोलूंगा, यहां पे 3 होता और उधर पूरा पूरा डिवाइड करता तो डिवाइड, अब अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहां मेरा बेटा 36 है, 36 का स्क्वायर, थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई है मुझसे, तो ए बी ये चीज बन गई। अब बेटा वहां पे मैं करेक्शन कराऊंगा आपको, सारी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहां से इस साइड पर मुझसे, दैट्स वाई बेटा यहां पे मुझे करेक्शन करनी है। ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 8x² इधर से 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर ये बेटा बनती है वैल्यू, कैलकुलेटर जरा
तंग कर रहा है, प्लस 9x² 3x² और ये मेरा बेटा बनेगा 2 × 36 × 3, तो ये बेटा बनी 216 जी, 216x। अब इन तमाम टर्म्स को मैं राइट साइड पर लेकर जाऊंगा, 8x² प्लस ये 72x 160, और ये टर्म्स उधर जाएंगी 1296 माइनस 9x² प्लस 216x। और राइट साइड पे मेरे पास बेटा राइट साइड पर जीरो है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो मैं थोड़ी देर पहले भी बोल चुका हूं, वो तभी सॉल्व होगी जब एक साइड या लेफ्ट या राइट उसकी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब फाइनली मेरे पास बची इक्वेशन, इन दो को सॉल्व करें तो माइनस एक्स के, फिर बेटा इसको सॉल्व करें जो हमारे पास एक्स की टर्म्स हैं, एक्स की टर्म्स को सॉल्व करें, 72 प्लस 216, ये बेटा 288 प्लस 288, और ये बेटा सॉल्व करेंगे, ये 1296 और माइनस का और वो प्लस का है 160, तो इनको सॉल्व कर लें, 1296 16, ये माइनस किया बट साइन नेगेटिव का डालूंगा मैं, माइनस 1136 दैट इज जीरो। कोशिश ये करनी है कि मेरे पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, कर तो यूं भी सकता हूं लेकिन वो पॉजिटिव हो, एक्स केयर, इसलिए माइनस 1 कॉमन ले रहा हूं, एक्स केयर माइनस 288x प्लस 1136 दैट इज जीरो। मेरे पास जो नई इक्वेशन बेटा बन रही है वो बन रही है, इस माइनस को उधर जाके डिवाइड कर लें तो ये बनेगी एक्स केयर माइनस 288x प्लस 1136। ये बेटा इसके फैक्टर बना लें या इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, आपको इसके रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसके रूट्स भी बना सकते हैं, तो ये बेटा आपके ये फैक्टर बनेंगे माइनस 284 एंड माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 288 मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा, ऐड करें तो ये हमारे पास है, ये चेक कर सकते हैं। बाकी फैक्टर बनाने का तरीका मैं आपको कैलकुलेटर से भी बता दूंगा, वो भी है एक मेथड, जो हमारे रूट्स आते हैं ना उन्हीं से हम फैक्टर बना सकते हैं। तो ये बेटा 1136 बन रहे, तो एक्स माइनस 284 एंड एक्स माइनस 4 दैट इज जीरो, ये फैक्टर बन रहे थे, मैंने दो आंसर्स आए हैं एक्स माइनस 284 एंड एक्स माइनस 4, तो एक बेटा एक्स की वैल्यू आएगी 4, दिस इज अवर वन रूट, और दूसरी वैल्यू आएगी एक्स इक्वल्स टू 284, दिस इज अवर सेकेंड रूट। ये क्वेश्चन सॉल्व है नोट्स पर, दिस इज अवर सेकंड रूट, बाद में हम इंशाल्लाह कल चेक करेंगे। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टॉपिक में मैं अगली दो टाइप्स को डिस्कस करूंगा। अल्लाह हाफिज़।